भगत सिंह लास्ट में कह गए थे बम गोली की राजनीति नहीं करनी चाहिए, रक्षा बम गोली सब यही खरीद रहे पूरी दुनिया। अब सोच के देखो किसको मारोगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बजट के इस अगले वीडियो पे। तो पिछले सेशन में हमने बजट की कुछ प्राथमिकताओं की बात की थी और इस सेशन में बच्चों हम जरा विकसित भारत के लिए और जो प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं सरकार की ओर से उनके विषय में बात करेंगे। अगर प्राथमिकताओं के विषय में आप देखें तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, उत्तर पूर्व का विकास हो, ये सारी विषय वस्तुएं कहीं ना कहीं भारत के लिए भी आवश्यक है। लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं भी होती हैं। ऐसा क्यों है कि हर साल हम बजट लाते हैं, हम प्रावधान करते हैं, परंतु हर साल हमको बहुत ज्यादा अचीवमेंट उससे नहीं होती है। बाकी सामान्य व्यक्ति तो ये भी नहीं जानता कि इस बजट से लाभ क्या है, घाटा क्या है। उसको तो बस इतना देखना है कि इनकम टैक्स कितना कट रहा है, ये बताओ। ठीक, इस देश में दो जो प्रोफेशन है बहुत ही बढ़िया है। पहला है अगर आप लॉयर हैं तो क्या ही कहना, और दूसरा सीए। क्योंकि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है लॉयर्स पैराडाइज। लूप होल बहुत है, ठीक है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो है, क्या करें। लेकिन फिलहाल हम बजट की बात करेंगे और जरा समझेंगे कि शहरी विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। शहरी विकास में सबसे पहले महिलाओं के लिए यह किया गया कि स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट दी गई है। मतलब महिलाओं द्वारा अगर संपत्तियां खरीदी जा रही हैं तो स्टाम्प ड्यूटी को कम किया गया है और राज्यों से कहा गया इसको प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छा कदम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि महिलाओं को डिफेंस डील में भी इंकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। उसका कारण है, मान लीजिए राफेल डील महिलाएं करने गई होती भारत का, ठीक, तो फ्रांस वाले कहते कितने का है, फ्रांस वाले कह रहे हैं 200 करोड़ लेगा, तो भारतीय महिलाएं कहती 200 करोड़ इतना महंगा भैया, इतना महंगा हम नहीं लेते, ठीक, 150 रुपए देना हो तो बताओ। डिफेंस इक्विपमेंट भी सस्ते आते, स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ कम करने से काम में चलेगा। विकास तेज करना है तो महिलाओं को हर क्षेत्र में उतार दीजिए। भारत की महिलाएं बहुत जुगाड़ी है, ठीक, कहीं से भी जुगाड़ से कोई भी चीज सस्ती खरीद सकती है। पुरुषों में थोड़ा सा इस चीज का आप देखेंगे कि मामला कम रहता है, बेचारे बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं ना, ठीक। खैर, आगे स्ट्रीट मार्केट या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए व्यवस्था की गई है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये एक अच्छी पहल है। चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना बनाई गई है। एक अच्छी परिकल्पना है। अभी ठेले इधर उधर लगे रहते हैं शहरों में और फिर उन ठेलों पे पब्लिक आराम से भोजन कर रही होती है और फिर सड़क पे ठेले लगने की वजह से कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, इसलिए एक अच्छी पहल है, ठीक। लेकिन सड़क पे ठेला लगने का अपना अपना अलग ही मजा है। जब सड़क की मिट्टी उड़ के उस खाने में गिरती है और उसको खाया जाता है तो उसका टेस्ट इनहेंस जो होता है वो भारतीयों का मेन मोटो है। तो ये वाला शायद ना चले, इसका पैसा वेस्ट हो जाए। भारतीय साफ जगह जाके खाने में विश्वास नहीं करते, अवेयरनेस है नहीं फूड को लेके बहुत ज्यादा, ठीक है, उनको ज्यादा मतलब नहीं। उनको आप केचप और सॉस देंगे, वो आराम से उन्होंने टियर किया और खाया, उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता है। कहते हैं इसमें क्या पड़ा है, हमको मतलब नहीं, सोडियम बेंजोएट हो, सिट्रिक एसिड जो है सब खाए जाएंगे, ठीक। इसलिए ये पहल अच्छी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन ठेले के पास खा के खड़े होके जो खाने का आनंद है, सोचिए वो जो धूल, जो सीवेज स्कैवेंजिंग की गई है, सीवेज साफ किया गया, वो धूल वो वहीं पड़ा रहता है, गर्मी में वो सूखता है, उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी निकलती है, वो उड़ता है और ठेले के ऊपर जब रखे खाद्य पदार्थों में वो मिक्स होता है तो उसमें जो टेस्ट इनहेंस होता है वो इस मामले में नहीं हो पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये देखिएगा फेल ही होगा आगे, ठीक है, ये मेरा अपना आकलन है। खैर, ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास की बात की जा रही है, ठीक। और चौथा विषय वस्तु बेटा जल प्रबंधन है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। पिछले 5 साल से दिल्ली में यमुना साफ हो रही है और गंगा तो इतने दिन से साफ हो रही है, 15 साल हो गया गंगा को साफ करते हुए। हालांकि गंगा के लिए मंत्रालय भी अलग से बनाया गया, लेकिन उसको साफ करने के लिए जो एडिशनल स्किल चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं कम थी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जल आपूर्ति के लिए सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं और विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से
100 बड़े शहरों को हम सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, ये कर तो दिया है लेकिन करेंगे कैसे? बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट में कार्य किया करता था, अब तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। तो जब मैं इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट में काम करता था तो किया क्या जाता था कि पानी साफ करके और जो इन्फ्लुएंस होता था उसको बगल में नदी नाले में, भारत में सबसे अच्छा यही माना जाता है, ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज के ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, इसलिए शहरों के स्तर पर जल प्रबंधन करने का कोई लॉजिक एज एन वेस्ट वाटर इंजीनियर ही चूंकि मैं रह चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको ये चलाना था, ये बिल्कुल, ये तो चौथे नंबर को तो कट कर दीजिए, इसका कोई लाभ नहीं, आप ये सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आपके पास उतने बढ़िया वेस्ट वाटर इंजीनियर है नहीं, पहली चीज। अब कोई कहेगा आपकी हैसियत क्या है, आप सरकार के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने अच्छी खासी नौकरी कर ली क्षेत्र में, मतलब ना ही फूड इंडस्ट्रीज में, मैं राजस्थान के निमराणा में था तब भी, और हरदोई के संडीला क्षेत्र में भी मैंने काफी काम किया ईटीपी के क्षेत्र में। भारत में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट जो बनता है उसके लिए देखिए स्पेस जो जरूरत है, आप शहर से इतनी दूर, अगर आप एक्सीटू ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो शहर से बहुत दूर प्लांट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अवसंरचना का खर्च बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, पाइपलाइन लंबी बिछानी पड़ेगी। दूसरी चीज, एल्गल ब्लूम की समस्या आती है बेटा, ठीक, तो बहुत ज्यादा दिन तक वो चलेगा नहीं। तीसरी चीज, इसके लिए जो महत्वपूर्ण अवसंरचना और जो प्लांट हैं वो बहुत महंगे हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। बायोलॉजिकल प्लांट की एफिशिएंसी 76 और 80% तक भी पहुंचती है लेकिन आरओ की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 50% है, इसका अर्थ है 50% वेस्ट निकलना। ठीक, होंगे देश में अच्छे एक्सपर्ट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से भी अच्छे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट की बात जब कोई करता है तो अंदर से ऐसा लगता है 5 साल से यमुना साफ नहीं हुई और गंगा जी की तो क्या ही कहें। ठीक है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं तो गंगा जी में सब लेदर वेदर वहीं जाता रहता है, इसलिए कोई विशेष बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ अगले विषय बिंदु पे एक बढ़िया सी योजना, आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम आवास और शहरी योजना, 10,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्य वर्ग की आवश्यकताएं इससे पूरी होंगी। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां और विनियमन लागू किए जाएंगे। रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी व्यवस्था के बाद, रहने की व्यवस्था के बाद आगे की अवसंरचना का विकास संभव हो पाता है। विकसित भारत के लिए अगर आप प्राथमिकताएं देखें तो सबसे अगली प्राथमिकता है हमारी ऊर्जा सुरक्षा, यानी नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र में सबसे पहले भारत में लघु रिएक्टरों की स्थापना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान का विकास, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा अगले चरण में से 100 क्लस्टरों तक बढ़ाया जाएगा। पंप स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए AUSC ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। ये सारी अच्छी पहल है। इसके बाद अगले विषय पर अगर हम चलेंगे तो कहां कितना क्या मुफ्त मिलेगा। देखिए, मुफ्त बहुत जरूरी है, मुफ्त इसलिए जरूरी है कि बिना फ्रीबीज के इंडियन चलते नहीं, पहले फ्रीबीज लेंगे, मुफ्त में चीजें लेंगे, उसके बाद जब अवसंरचना विकास नहीं होगा तो रोते भी हैं। देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली इस समय झीलों का शहर, दूसरा झीलों का शहर दिल्ली बना हुआ है, वेनिस एकदम मानिए दिल्ली को। आज ही सुबह वर्षा हुई थी, मैं स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और लगभग मुझे तैर के जाना पड़ता पढ़ाने के लिए, ये स्थिति। तो दिल्ली अब झीलों का शहर बन चुका है, अब बनेगा नहीं, बन चुका है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना लंदन के स्तर का है कि पानी बरसात के बाद दिखता ही नहीं है, गया कहां, पूरा बरसात का पानी, जैसे जैसे बरसात होती जाएगी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पूरा जल जो दिल्ली में बरस रहा है वो जमीन में भूमिगत जल बनता जाता है। बड़े बड़े रिएक्टर दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे और दिल्ली की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, ठीक, और ऐसा हुआ क्यों भाई? बिजली मुफ्त है, बसों में चलना मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। जब मुफ्त लेंगे तो व्यवस्था अच्छी हो जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रतिमा मुफ्त मिलेगी, 1,28,00,000 पंजीकरण और 14,00,000 आवेदन इसके लिए हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विकसित भारत के लिए क्या प्राथमिकताएं रखी गई हैं इसको देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर दो और मंदिर, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास होगा। इन दोनों मंदिरों के विकास से भारत एक बार फिर से विकास के पद पर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पंथ के स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी आस्था को हम जरूर लेके चलें, ठीक। एक प्रोवर्ब है, भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ चुकी है। एक बात सोचिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि शुतुरमुर्गीय प्रवृत्ति के कारण भारत की स्थिति यह होती जा रही कि अपनी ही बुरी चीज को अच्छा मानने लगे। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आपके पास कुछ भी आप कर लीजिए, बजट आप पास करिए, व्यवस्था संसाधन ही नहीं बचेंगे। अर्थात भारत के लोग सबसे ज्यादा शर्मीले, सबसे ज्यादा धार्मिक है और भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये कौन से प्रकार की शर्म है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ठीक। आने वाले समय में अब भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कानून और ये सब बजट बजट नहीं, पहले जनसंख्या रोको अभियान चलाया जाना चाहिए। शादी देखने की और करने की भारत की क्षमता नहीं है, भारत के युवाओं की। करिएगा तो संसाधन कहां से लाइएगा, कॉरिडोर तो मंदिर में बन जाएगा, घूमने जा ही नहीं पाओगे क्योंकि रोजगार कहां से आएगा इतना। खैर ये बात की बातें, इस पर हम बाद में विचार करेंगे, ठीक। और करेंगे क्या, 5-6 साल बाद सबको सच्चाई दिख जाएगी, जितने रोजगार हैं यह भी द एंड, ठीक। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल पर राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा एक पर्यटन स्थल भी से बनाया जाएगा। वैसे ही पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं भारतीयों को, रील बनाते रहते हैं, यहाँ रील बनाने वाले ज्यादा फेमस हैं। चाय की रील बना दी, ठीक, अब वो नालंदा को विद्यालय बनाने में लगे। यहाँ रील का कॉलेज खोलना चाहिए, हाउ टू मेक अ रील ज्यादा चलता। विश्वविद्यालय बनाए बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, जहां तक मेरा अपना विचार है और जैसे मैं युवा को देख रहा हूँ इस समय, ठीक है ना। अब मैं भी इस तरीके के पंच इसलिए मार रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देखें, नहीं मानू तो आप देखेंगे नहीं, बात है ये, ठीक। नहीं तो मैं बहुत सीरियस पढ़ाता हूँ, मेरे विषय में लोग जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता लौटाई जाएगी। मंदिर, स्मारक, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सुंदर और मनोरम समुद्र तटों के विकास के लिए इसको सहायता दी जाएगी। उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत धुआंधार प्रदर्शन किया था, इसलिए इस बार प्रधानमंत्री जी ने जीतने के बाद बोला जय जगन्नाथ, जय श्री राम नहीं बोला था, अयोध्या वासियों ठीक समझो बात को, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमको आगे कुछ मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तुमने बहुत गलती की, पहले सीता जी के साथ की थी, अब की बार मोदी जी के साथ की, ठीक। तुम जब नहीं तब लांछन लगा देते हो, कब सुधरोगे, ठीक, सुधर जाओ थोड़ा, लांछन नहीं लगाया जाता है। खैर विवादित बात हो सकती है लेकिन फिर भी देखा जाए। अब जरा कर की बात कर लेते हैं कि कर प्रस्ताव कैसा और करों का सरलीकरण। देखिए आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की गई है, धर्मार्थ संस्थाएं और टीडीएस का सरलीकरण, मुकदमेबाजी अपील, कर आधार में वृद्धि, व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा की गई है, सीमा शुल्क में परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। और ये परिवर्तन क्या है जरा इनको देख लीजिए, कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क में पूर्णता छूट, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और इसके जो बेस कस्टम ड्यूटी उसको घटाकर 15% कम कर दिया गया है, सोने और चांदी पर भी शुल्क को घटाया गया है, प्लेटिनम पर 6.4%, झींगा और फिश फीड पर भी ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको घटाया गया है 5% करेंगे, सोलर सेल पैनल के विनिर्माण और अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णता छूट, लाभ पाने वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में किफायती दवाइयां, मोबाइल उद्योग, घरेलू मूल्य संवर्धन, समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है, 3 से 7 लाख इनकम है तो भैया 5%, 7 से 10 लाख वाले 10, 10 से 12 लाख पे 15, 12 से 15 लाख पे 20 और 30% अगर 15 लाख से ऊपर है। बेसिक कट जो होगा 15,000, ठीक है, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 से बढ़ाकर और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर बेसिक कट 25,000 किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं रुपया कहां से आता है और कहां खर्च करेंगे। सबसे आयकर से 19% रुपया आता है, उधारी से 27% भारत के पास रुपया आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आएगा, जीएसटी से 18%, निगम कर से 17% रुपया आ जाएगा, सीमा शुल्क से 4, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1, कर भिन्न प्राप्तियों से 9%।
अगर रुपया आ गया है तो रुपया जाएगा कहां, जरा इसको भी समझ लेते हैं। पेंशन में चला जाता है 4%, 9% अन्य, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8% लगेगा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%, रक्षा में 8%, सब्सिडी 6% की दे दी जाती है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16% और ब्याज भुगतान 19% का रहेगा। तो रुपया कहां से आया और कहां को गया। प्रमुख मदों के लिए कहां कितना व्यय किया गया है। रक्षा के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए का बजट है, सबसे ज्यादा। ग्रामीण विकास के लिए बम गोली में सबसे ज्यादा विश्वास, भगत सिंह लास्ट में कह गए थे बम गोली की राजनीति नहीं करनी चाहिए, रक्षा बम गोली सब यही खरीद रहे पूरी दुनिया। अब सोच के देखो किसको मारोगे, मारोगे तो इंसान को ही, लेकिन जो लाइन खींची है ना बीच में, समस्या क्या है, बेचारा पिस्ता मध्यम वर्गीय, ठीक है। अब इसके कारण दिक्कत क्या है, देखो ये बना भी है, रफेल खरीदे, मिसाइल बनाएंगे, तोप चलाएंगे, ठीक। मानवों का सबसे विशेष महत्व क्या है कि जब भी इनको विकसित होने का मौका मिलता है ये बम तोप की राजनीति में बिलीव करते हैं, कहेंगे हम गांधी को मानते हैं। गांधी को मानने वाले देश में डिफेंस का बजट सबसे ज्यादा, ग्रामीण विकास 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप 1,51,851, गृह सुरक्षा पे 1,50,983, शिक्षा पर 1,25,638 करोड़, आईटी सेक्टर पर 1,16,342, स्वास्थ्य पर 89,287, ऊर्जा पर 68,769, समाज कल्याण 56,501 और वाणिज्य और उद्योग पे 47,559 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये रहेंगी प्रमुख मदें जहां इस पैसे को खर्च किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको शॉर्ट में एकदम संक्षेप में समझ में आ गया होगा कि इस बजट की अपनी मूलभूत भावना क्या है और किन किन क्षेत्रों में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना कार्य करेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप इस चैनल से जुड़े, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे हमारी टीम का मनोबल लगातार बढ़ता रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।